मेडिक मटेरियल्स, काफ़ी काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ऑन द एंडिंग ऑफ इट्स नाउ, लेकिन कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है जो हम फिनिश करेंगे। लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर, हमने अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने लेकिन कहा था वो आपके टेक्सट बुक में नहीं है, इट इज़ फॉर एंट्रेंस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट किया था, उसके बाद वी गॉन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वॉज मैग्नेटाइजेशन, हाउ टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस। उसमें मैंने कुछ नए नए टर्म्स सिखाए थे, ठीक है। इफ़ यू रिमेम्बर, कुछ टर्म्स जो मैंने न्यू सिखाया था, इसमें से एक था ये एच। एच इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तरह यही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एबिलिटी है मैग्नेटाइज करने की, टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस, वो कितनी कैपेबिलिटी है उस फील्ड में, वो इस एच से पता चलता है। उसके बाद हमने ये आई करके डिस्कस किया था, आई वॉज इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है सब्सटेंस के अंदर, वो था। और लास्ट एक, नेक्स्ट एक टर्म डिस्कस किया था जो लास्ट था ऑलमोस्ट, दिस जाय, दिस वन, इसका नाम था मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, याद है। यहां तक आई थिंक डिस्कस हुआ था ना, यही टर्म्स चल रहे थे, राइट। प्लीज चेक योर नोटबुक, लास्ट अपने नोटबुक में एक फॉर्मूला लिखी होगी, ठीक है, उस फॉर्मूला में अपने ये जाय की फॉर्मूला लिखी होगी ससेप्टेबिलिटी की। अपने ये लिखा था कि जो आई होता है ना, आई इज अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट हम पुट करना चाहिए हमें, वो कांस्टेंट है एच जाय, दिस वन। देखो जो स्क्रीन पे जो लिखे हुए हैं ये तीन टर्म्स और ये जो फॉर्मूला लिखी हुई है, ये सब हुआ है ना लास्ट टाइम, देख लो। तो मैं इसको फिर से रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, अज्यूमिंग दैट थोड़ा बहुत आपको याद है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब मैंने अब बताया था, और जो भी काम की चीज़ें थी मैंने आपको बोला था नोटबुक में नोट कर लो, आई होप यू आर नोटिंग दैट, ओके। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गए, फिर कुछ बचेगा नहीं, आपको कुछ याद नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप यू आर डूइंग दैट, ठीक है। यहाँ तक हुआ था, आज इससे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। कुछ टर्म्स और हैं विच आर रिलेटेड टू द, मतलब न्यू टर्म्स, न्यू डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिक मटेरियल्स। एक बार ये टर्म्स हो गए तो फिर हम उसके आगे जा पाएंगे, ठीक है। एक टर्म और है आज, ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी न्यू टर्म, आपने सुना है इसके बारे में पहले भी। नेक्स्ट आज जो डिस्कस करेंगे पहला टर्म वो ये रहेगा, परमियाबिलिटी, ठीक है। परमियाबिलिटी आपने सुना है, राइट, इट्स डिनोटेड बाय म्यू सिंबल, राइट, ठीक है। परमिएबिलिटी का फॉर्मूला वगैरह हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, विल सी। बट सबसे पहले थोड़ा समझना चाहिए ना कि परमिएबिलिटी होता क्या है अल्टीमेटली, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली परमिएबिलिटी। सी लुक हियर, थोड़ा समझा देता हूँ। एक इमेजिन करो कि ये एक स्पेस है, ठीक है, ये छोटे से मैंने कुछ स्पेस ले लिया, इसमें मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, देर आर मैग्नेटिक लाइंस इन दिस स्पेस, ये देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर वैक्यूम है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा वैक्यूम है, उस वैक्यूम में मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस जा रही है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस फील्ड को मैं बोलता हूँ बी जीरो। जीरो तभी लगाया जाता है जब वैक्यूम हो, तो लाइंस कहाँ से पास हो रही है, कौन से मीडियम से पास हो रही है लाइंस, वैक्यूम से पास हो रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में ना, ठीक है। एक बार बताओ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज इन वैक्यूम बी जीरो, ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि बी जीरो डिवाइड बाय म्यू करोगे ना तो क्या मिलेगा, कुछ याद है किसी को, बी जीरो बाय म्यू जीरो करो, एच, एच इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, एच इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैंने फॉर्मूला बताई थी आपको डेफिनेटली, ठीक है। वो मटेरियल है क्या? एक मिनट, नॉइज आ रहा है, हाँ रुको। देखो एच जो है ना, एच मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, कौन सा मीडियम है, वैक्यूम है या कुछ भी है,
एच एस पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाई किसने। सपोज मैग्नेटिक फील्ड करंट ने बनाई है तो करंट पे डिपेंड करता है एच। करंट बड़ा होगा एच बढ़ेगा। एच जो है ना वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो बी है वो मीडियम पे डिपेंड करता है बी। ठीक है, मैं भी म्यू पे आ रहा हूँ अल्टीमेटली। देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बी म्यू की फॉर्मूला बताएं, जस्ट मैथमेटिकली फॉर्मूला, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स एच ना, अल्टीमेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब परमिएबिलिटी इज अ, यू कैन से परमिएबिलिटी इज अ टर्म व्हिच कम्स व्हेन यू वांट टू हैव अ रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। बी और एच के कनेक्ट करने वाले रिलेशन में ये म्यू आता है। ये तो म्यू की फॉर्मूलाज है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज यू कैन कैलकुलेट द म्यू। लेकिन म्यू अल्टीमेटली क्या होता है, परमेबिलिटी किसको किस चीज को बोलते हैं। ठीक, उसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम में वो दिख रहा है लाइंस जा रही है, ठीक है, वैक्यूम से, मतलब वैक्यूम्स में से ये लाइन पेनिट्रेट होके निकल रही है ना, पेनिट्रेशन हो रहा है ना लाइंस का। लाइंस आर पेनिट्रेटिंग थ्रू द वैक्यूम और नो, दे आर पासिंग थ्रू वैक्यूम। ठीक है, तो जब लाइंस वैक्यूम से पास हो रही है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वैक्यूम परमिएबल है, मतलब वैक्यूम लाइंस को अलाउ कर रहा है ना पास होने के लिए, मतलब वैक्यूम इज परमिएबल। आपने ये परमिएबल वर्ड सुना है केमिस्ट्री में भी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब वैक्यूम परमिएबल है कि नहीं है, लाइंस पास हो पा रही है ना वैक्यूम से, तो इट इज यस परमिएबल। टेल मी, अगर वैक्यूम की जगह पे मैं यहाँ पे कोई और मीडियम रख दूँ, सपोज सेम स्पेस, ठीक है, इसमें वैक्यूम था, वैक्यूम की जगह मैंने कोई दूसरा मटेरियल भर दिया, वैक्यूम मैंने हटा दिया, उसकी जगह पे सेम स्पेस में मैंने दूसरा मटेरियल भर दिया, मतलब वैक्यूम डिसअपीयर्ड, अब दूसरा मटेरियल आ गया, तो ये लाइंस पता है दूसरे मटेरियल से भी पास होने की कोशिश करेंगी। सपोज जो करंट है ना, जिस करंट से ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, वो करंट वगैरह सेम ही है। आई एम नॉट चेंजिंग द सोर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट ने बनाया है, करंट इज अ सोर्स, तो करंट उतना ही है, लेकिन मैंने मटेरियल खाली चेंज कर दिया, वैक्यूम की जगह दूसरा मटेरियल फिल कर दिया। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो लाइन्स है ना, या तो ये लाइन्स बढ़ जाती है, द लाइन्स इनफैक्ट इंक्रीजेस, या कभी कभी ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, सब आपने वैक्यूम की जगह दूसरा मटेरियल भर दिया, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें क्या करते हैं, लाइंस का नंबर कम हो जाता है, इनफैक्ट लाइंस नहीं पास हो पाती हैं उसमें से। ठीक है, जितनी लाइंस वैक्यूम से जा रहे हैं ना, उससे भी कम लाइंस जाने लगती है। दिस, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, वो वैक्यूम की है, उसके बाद लुक एट द सेकेंड पिक्चर एंड लुक एट द थर्ड पिक्चर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ये सारे मीडियम्स हैं, वैक्यूम और दूसरे मीडियम, सब एक जितने ही परमिएबल है क्या? ऑल आर इक्वली परमिएबल? नो नो जिसमें से लाइन ज्यादा पास होती है ना, कंपेयर वैक्यूम एंड द सेकंड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम को कंपेयर करो, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि जो सेकंड मीडियम है वो ज्यादा परमिएबल है, बिकॉज मोर लाइन्स आर एबल टू पास, सेकंड मीडियम इज मोर परमिएबल, तो इसकी सेकंड मीडियम की परमिएबिलिटी हाई रहेगी, म्यू विल बी हाई। ऑफ कोर्स वैक्यूम से मैं कंपेयर करके बोल रहा हूँ, किसके कंपैरिजन में हाई बोल रहा हूँ, वैक्यूम के कंपैरिजन में, तो कंपेयर्ड वैक्यूम इसकी परमिएबिलिटी हायर है, और जो थर्ड मीडियम है उसकी परमिएबिलिटी क्या बोलोगे, इज इट हायर देन वैक्यूम? इट्स लेस देन वैक्यूम। कंपैरिजन बार बार वैक्यूम के साथ ही होती है, वैक्यूम के कंपैरिजन में हाई है या वैक्यूम के कंपैरिजन में लो है, उससे कंपैरिजन होती है। ठीक है, और म्यू को फॉर्मूला जो है फाइंड करने की, वो आपके सामने है, बी इक्वल टू म्यू जीरो एच, ये फॉर्मूला से बी ये मिलता है, म्यू जीरो मिल सकता है इन दोनों फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये है जिसमें जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा, ये बी और एच थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो पहले आप एच को समझ लो, एच जो है ना वो अल्टीमेटली सोर्स पे डिपेंड करता है कि किसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट ने बनाई है, ठीक है, तो वो एच उन सब टर्म्स पे डिपेंड करेगा, सोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो, आप वैक्यूम के बाद आपने मीडियम चेंज करके दूसरा मीडियम ले लिया, तो सोर्स तो चेंज नहीं किया ना, जो सोर्स फील्ड बना रहा है, इसलिए मैंने एच चेंज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर जो एच है, सेम एच विल बी हियर, सेम एच विल बी हियर। एच उस सोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन फील्ड बना रहा है। लेकिन बी जो है ना, बी थोड़ा अलग है, बी डिपेंड ऑन द मीडियम ऑल्सो, बी उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है जिस मीडियम से लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो बी इज गिवन बाय म्यू जीरो टाइम्स एच। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ परमिएबिलिटी के बारे में। जो मीडियम में ज्यादा लाइंस पास होती है वो ज्यादा परमिएबल होता है, जिस मीडियम में लाइंस नहीं पास हो पाती है वो कम परमिएबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यूनिट ऑफ दिस म्यू भी देख लो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस म्यू। ठीक है, इधर आंसर देखना, ये जो बी है, बी दिख रहा है, बी का यूनिट अगर आपको याद है ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है बी का यूनिट। सपोज म्यूजियर का यूनिट मुझे नहीं मालूम है, तो एच का यूनिट मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, चेक इट आउट, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर, नॉट मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो ये मीटर मीटर कट हो गया, म्यूजियर का यूनिट आ रहा है वेबर पर एम्पियर मीटर, ये होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट सेफ साइड, एक बार तो पता होना चाहिए, कम से कम नोटबुक में होना चाहिए कहीं पे, तो ऐसा होता है। ठीक है, ओके, तो परमिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स इज डिफरेंट, सम मीडियम्स आर मोर परमिएबल देन वैक्यूम, सम मीडियम्स आर बट ऑल्सो लेस परमिएबल देन वैक्यूम। ओके, एक बार ये परमिएबिलिटी अपने समझा, ओके, डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछेगा इसका, जस्ट थोड़ा आइडिया रखो परमिएबिलिटी क्या होता है अपने माइंड में। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि परमिएबिलिटी मीडियम पे डिपेंड करता है? यस यस। ओके, क्या मैं ये बोल सकता हूँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच जो है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो मीडियम पे डिपेंड करती है? नो, एच खाली इस पे डिपेंड करती है कि करंट वगैरह कौन सा है, किस करंट ने वो फील्ड बनाई है, सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक टर्म दूसरा डिस्कस करेंगे, वन मोर लास्ट टर्म, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी नहीं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, अब आपको मालूम है परमिएबिलिटी जो होती है वो म्यू से डिनोट होती है, बट ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, इट इज डिनोटेड बाय म्यू आर सिंबल, म्यू आर। ओके, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, सपोज वी वांट रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड है। अब ये क्या होती है, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, सपोज मैंने आयरन ले लिया, आयरन, ठीक है, आयरन एक मीडियम है, आयरन की जो परमिएबिलिटी ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं म्यू ऑफ एफ ई, परमिएबिलिटी ऑफ आयरन, वो काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू द परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और वैक्यूम के लिए मैंने कहा है आपको जीरो लिखा जाता है, म्यू जीरो। ये स्टेटमेंट पहले देखो जो मैंने लिखी है, क्या लिखा है मैंने, परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज वेरी मच बिगर देन परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट, वैक्यूम। आयरन बहुत ज्यादा परमिएबल है, मतलब बहुत ज्यादा लाइंस पास होती है। ठीक है, अब अगर तुम ऐसा करोगे म्यू ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाय म्यू जीरो, मतलब डिवाइड बाय वैक्यूम, तो ये बहुत ग्रेटर देन वन आ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये जो रेशियो है ना, सी दिस रेशियो, कैन आई से इट इज अ रेशियो ऑफ permeability of a medium divided by permeability of vacuum ना, इसी ये जो रेशो है ना, इसी को बोलते हैं relative permeability of iron, यही relative permeability है, mu r। relative permeability क्या होता है, suppose relative permeability of iron is equal to permeability of iron divided by vacuum, जब आप कोई medium की permeability को vacuum से compare करते हो ना, divided with vacuum, तो उसको उसकी फिर relative permeability बोल देते हैं उस medium की। आई बात समझ में? तो ये आयरन की मैंने फाइंड की, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन क्या आ रही है, वेरी मच ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी बस ये बताती है कि आपका जो ये मीडियम है आयरन या कोई भी, वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परमिएबल है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोलूँ दैट, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन इज 5000, म्यू आर 5000 है, किसके लिए, आयरन के लिए बोल रहा हूं मैं, फॉर एफ ई। अगर मैं ऐसा बोल दूं म्यू आर इज 5000, तो म्यू आर आप क्या लिखोगे, म्यू एफ ई बाय म्यू जीरो इक्वल टू 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली म्यू ऑफ आयरन इज 5000 टाइम्स मोर देन म्यू ऑफ जीरो। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो आयरन है वो वैक्यूम के कंपेरिजन में 5000 टाइम्स ज्यादा अच्छा परमिएबल है ना। Yes. तो आप, आपका मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में कहां पे रुकता है, वो म्यू आर से पता चलता है। म्यू आर 5000 मतलब वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 5000 बेटर है। ठीक है, 5000 टाइम्स बेटर है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, एक एग्जांपल से मैंने समझाया, कीप इट इन माइंड, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू आर सिंबल, इट्स म्यू ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय व्हाट, म्यू जीरो। ओके, समझी बात?
आगे बढ़ो, ठीक है। अब एक बात बताओ, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इट इज कॉल्ड म्यू आर। अगर मैं यहां पे एच से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे एच से डिवाइड कर दूं, तो भी चलेगा। ये आप जानबूझ कर रहे हैं क्या? किसने माइक ऑन किया था और मैंने जैसे ओपन किया था उस माइक ऑफ कर दिया, ठीक है। प्लीज, जिस गधे ने ये किया, जिस भी गधे ने किया ये, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नहीं अटेंड करो ना, ऐसे बहाना डाल दो कि ऑफलाइन हो, मतलब नेट नहीं चल रहा है वगैरह, प्लीज। लेकिन ये मत करो जो आपने किया अभी। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। म्यू आर इक्वल टू, आई वॉज टेलिंग दिस, म्यू आर इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू जीरो। एच एच मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज मैंने कहा था एच मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो भले आयरन हो या वैक्यूम हो, एच डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। तो एच एच डिस्कस किया, थोड़ा याद करके बताओ, ये ऊपर न्यूमेटर में जो है वो क्या हो जाएगा? म्यू इनटू एल, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आयरन इज यूज्ड, इट्स अ बी ऑफ द मीडियम। नीचे म्यू जीरो इनटू एच, इट्स आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वैक्यूम इज देयर। तो बी ऑफ एनी मीडियम अपॉन बी इन द वैक्यूम, दैट इज ऑल्सो गिवन बाय म्यू आर। इट्स म्यू आर की एक और फॉर्मूला है ये। मतलब आपने पहले वैक्यूम रखा, वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी जीरो है, वैक्यूम की जगह फिर आयरन रख दिया, आयरन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू इनटू एच है, तो बी इन द आयरन डिवाइड बाय बी जीरो विल आल्सो गिव यू म्यू ऑफ आयरन, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और एक बात बताओ, ठीक है, समझा? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब एक बात बताओ, अगर किसी मीडियम का म्यू आर वेरी मच लेस देन वन दिया हुआ है या वन से कम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो उस मीडियम के बारे में, व्हाट कैन यू से अबाउट दैट मीडियम? अगर म्यू आर लेस देन वन है, मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स कम पास हो रहा है वैक्यूम के कंपैरिजन में, मतलब वो मीडियम लेस परमिएबल है कंपेयर्ड टू वैक्यूम, क्या मैं सपोज? यस यस, ठीक है। तो अभी आपको आई थिंक रिलेटिव परमिएबिलिटी समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि जो ससेप्टेबिलिटी रहता है जाय, ससेप्टेबिलिटी जाय, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, मैंने इसे समझाया था और एक एग्जांपल भी दिया था। ससेप्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है। जिनको याद नहीं आ रहा है बता देता हूँ, जो मीडियम ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है व्हेन यू कीप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो मीडियम ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है कंपेयर टू अदर मीडियम्स, वो मीडियम ज्यादा ससेप्टेबल होता है, उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ससेप्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम, और जो म्यू आर है ना, वो भी मैंने अभी बताया, म्यू आर इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन मीडियम, ठीक है। तो एक रिलेशन है दोनों के बीच में, देयर इज वन रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड ससेप्टेबिलिटी। मतलब म्यू आर ऑफ द आयरन, म्यू आर ऑफ द आयरन एंड ससेप्टेबिलिटी द जाय ऑफ दिस आयरन, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। मतलब अगर आपको एक गिवन है तो दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो, वो रिलेशन में डायरेक्ट दे रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ नीड नहीं है, मतलब बिना प्रूफ के भी चल जाएगा काम। म्यू आर इज गिवन बाय वन प्लस जाय, इट इज अ रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड जाय ऑफ एनी मीडियम। कोई भी मीडियम है ना जिसमें से लाइन्स पास हो रही है, उसके म्यू आर और जाय के बीच में ये रिलेशन है, म्यू आर इज गिवन बाय वन प्लस जाय। पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, जिनको फिर अगर प्रूफ की नीड है, सर आई वांट प्रूफ फॉर कॉन्सेप्ट्स, प्रूफ चाहिए तो आप अभी स्पेस छोड़ दो, लेटर यू आस्क मी आई विल गिव यू, अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नोटेड? ठीक, तो मैंने वो जो न्यू टर्म्स मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, वी स्टार्टेड विथ वेरी डिफरेंट टर्म्स, तो सारे न्यू टर्म्स डिस्कस हो गए, ठीक है। जो टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए है ना, एक बार मैं एनलिस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एच आई ससेप्टेबिलिटी म्यू म्यू आर, ये सारे नए नए टर्म्स हमने डिस्कस किए, चेक। एक बार एक काम करो, ये लिस्ट देख लो पूरी, अगर जस्ट एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, टर्म सिंबल्स देखो और एक एक सिंबल के बारे में याद करो कि ये क्या था, इसकी मतलब क्यों सर ने ये बताया था, इसके बारे में क्या बताया था सर ने इसके बारे में। अगर कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया और आपको चाहिए सर थोड़ा फिर से बताओ, तो बोलो, मैं वापस बोल देता हूँ उसके बारे में, डोंट वरी, यू कैन टेल।
और इनमें से जो भी मैंने लिखे हैं ना स्क्रीन पे, हर एक की एक एक फॉर्मूला होती है, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी टर्म, जिससे वो टर्म कैलकुलेट होता है। फॉर्मूलाज चाहिए तो एक बार फॉर्मूलाज भी देख लो अपने नोटबुक में कि हर एक की एक एक फॉर्मूला है आपके पास कि नहीं है। अगर किसी की फॉर्मूला नहीं है तो प्लीज टेल मी, आई विल अगेन रिवाइज दैट फॉर्मूला फॉर यू। हेलो सर। हाँ बोलो सर, एच वाला बताओ ना एक बार। देखो एक इमेजिन करो जस्ट कि ये एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है, ठीक है, बी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ठीक है, अगर आप वो अपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है कि ये जो डायग्राम है ध्यान से देखो, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, अपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू पाई आर, ऐसी फॉर्मूला है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो जब भी आप बी कैलकुलेट करोगे ऐसी कुछ फॉर्मूला आएगी। इसमें एक बात बताइए जो आपको याद होगा, जो म्यू है, म्यू तो मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब यस, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वायर के आसपास वैक्यूम है, ओके, लाइंस वैक्यूम से पास हो रही है, तो बी म्यू डिपेंड्स ऑन दैट वैक्यूम, ये इसलिए मैंने म्यू ऑफ वैक्यूम लिया, ठीक है। लेकिन म्यू को छोड़ के बाकी टर्म दिख रहा है, ये सब, ये टर्म देखो, यस सर, ये टर्म मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ कि वायर के आसपास मैंने वैक्यूम था, उसको हटा के मैंने वायर के आसपास वाटर भर दिया, आपकी मर्जी भर दो वाटर, लेकिन उससे करंट थोड़ी चेंज होगा वायर में, या आर डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। तो ये वैक्यूम इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है ना, ये जो लगा हुआ है आई बाय टू पाई आर, इसको एच बोलते हैं, एच। साथ में आप ये म्यू जीरो मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ओवरऑल बी मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है एच बोलते हैं। अब ये एच अल्टीमेटली क्यों होता है, क्या होता है, एच ये बताता है कि आपकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एच से क्या पता चलता है, एच ये बताता है कि आपकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कितना मैग्नेटाइजिंग पावर रखती है, मतलब किसी को मैग्नेटाइज कितना कर सकती है, हाउ मच कैपेबिलिटी इट हैज टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस, वो एच से पता चलता है। अगर एच ज्यादा है मतलब आपकी फील्ड में ज्यादा कैपेबिलिटी है मैग्नेटाइज करने की, ठीक है। फील्ड स्ट्रांग है वीक है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अगर एच ज्यादा है मतलब आपकी फील्ड किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है, इसका मैग्नेटाइजिंग पावर ज्यादा है। तो एच जो है ना वो मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है, इट मेजर्स द मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ योर फील्ड। जब तक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो एच भी नहीं होगा, फील्ड होगी तभी एच होगा, लेकिन फील्ड की वो मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी बताता है। और ये एच जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज इट इज गिवन बाय बी अपॉन म्यू जीरो। आप पहले बी कैलकुलेट कर लो नॉर्मली जैसे आप करते हो, डिवाइडेड बाय म्यू जीरो करो, आपको एच मिलेगा उससे। थोड़ा आइडम अभी क्लियर हुआ? और यस सर। स्टूडेंट्स आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, आगे बढ़े सर। हाँ बोलो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन देने वाले। अच्छा हाँ, अच्छा लास्ट टाइम बोला था मैंने, ठीक है ठीक है। आई प्रोपोर्शनल टू एच मैंने लिखवाया था लास्ट टाइम, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये रिमूव करके हम लोग जाय डालेंगे एच, ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। यस। तो ससेप्टिबिलिटी विच इज जाय, इट इज गिवन बाय आई अपॉन एच, राइट। तो मैं ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या बोल सकता हूँ डेफिनेशन में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई। आप ध्यान से देखो, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू आई व्हेन एच इज वन ना। मान लेते हैं कि सपोज एच वन है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वन है, एच इज वन, एच वन है तो जाय किसके इक्वल होगा, तो एच वन ले लिया मैंने, आई के इक्वल होगा, तो वही इसके डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ इसका, सी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू, और ससेप्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
देखो एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। आपने बेसिकली क्या लिखा है, आपने लिखा है कि H को वन ले लेते हैं, जब एच वन है, एच वन के लिए जो आय प्रोड्यूस होगा, जो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू द आय पर यूनिट एच, आय पर यूनिट एच वही लिखा है। समझे ये डेफिनेशन? यस सर। एच वन के लिए, एक यूनिट एच के लिए जितना आय बनता है, दैट इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, सो आई होप ऑल दिस न्यू टर्म्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर नाउ। लाइक एंडिंग में भी टाइम है, काफी कुछ टर्म्स बाकी हैं अभी। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो ये सब डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। एक बार बताओ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज बताई थी, देखो आपके आसपास इतने सारे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हैं, देर आर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आपके आसपास वुड होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, ग्लास है, आपके आसपास वाटर भी है, अलग अलग वैरायटी के मटेरियल्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर अराउंड यू। ठीक है, अगर मटेरियल्स को हम लोग क्लासीफाई करें, ठीक है मटेरियल्स को हम लोग क्लासीफाई करें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन नॉट एनी अदर पॉइंट, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई करें, ठीक है, तो आपको ये मालूम है कुछ मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं, उनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट नहीं होते लेकिन उनको मैग्नेट बनाया जा सकता है बाय गिविंग सम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट्स। ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है, मैग्नेटिज्म बन ही नहीं सकता है, दे आर एब्सोल्युटली नॉन मैग्नेटिक। क्या मैं जो बोल रहा हूँ लग रहा है कि सही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं ये सब गलत? मटेरियल्स होते हैं, कुछ मटेरियल में ऑलरेडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप डाल सकते हो, जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डालते हो किसी सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस, और किसी किसी में आप कितना भी करो वो इतना बेकार मटेरियल होता है, उसमें जाएगा ही नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ना फाइव टाइप के मटेरियल्स होते हैं, फाइव इन द फिजिक्स बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बट इन योर सिलेबस ओनली थ्री टाइप्स आर देयर। आपके सिलेबस में तीन है, एक टाइप के मटेरियल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक। दूसरे एक मटेरियल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरे मालूम है किसी को? फिलहाल ये तीन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री में तो वो भी थे एंटी फेरो और फेरी। केमिस्ट्री में उतना डिटेल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिया होगा इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपको डिटेल में जाना है। तो डिटेल में जब हम लोग एंटी फेरो और फेरी में जाते हैं ना, इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन फॉर अ 12th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिलहाल हम लोग ये तीन ही करेंगे और इनमें तीनों में डिटेल में जाएंगे। ओके, ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक। ओके, इस टॉपिक को आप ऐसे हेडिंग, मतलब आप ऐसे दे सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटीरियल्स। ओके, तो मटेरियल को तीन क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले थोड़ा डायमैग्नेटिक के बारे में देख लेंगे ना कि डायमैग्नेटिक क्या होता है। देखो एक बार बताओ, इसका नाम तो डायमैग्नेटिक है, ओके, नाम में क्या रखा है, लेकिन ये कोई ना कोई मटीरियल होगा, इट मस्ट बी मटीरियल। हर मटीरियल एटम्स का बना होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स का, तो सपोज ये डायमैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, अंदर एटम्स ही होंगे ना। ठीक है, तो एक एटम में आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, तो उससे एक ऑर्बिटल मूवमेंट बनती है, ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, MO बार बनती है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग से, इलेक्ट्रॉन अपने अराउंड भी स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग से भी मूवमेंट बनती है क्या, डायपोल मूवमेंट?
यस एमएस बार, इन दोनों का सम किया तो पता है क्या मिलेगा, एम और एमएस का सम, एम एटम, यू विल गेट अ टोटल डायपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, इसमें आपको क्लियरली बताया था कि एमओ तो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, एमओ काउंट ही नहीं आता है, इतना स्मॉल है, एमओ इज नेग्लिजिबल, राइट। बाकी बचे एमएस, एमएस नेग्लिजिबल नहीं होता है। सपोज अभी काम करो, डायमेटिक मेटल्स पता है क्या होते हैं, डायमेटिक मेटल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, डायमेटिक मेटल्स ऑलवेज हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमेटिक मटेरियल्स हैव ऑलवेज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर ईच एंड एवरी एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, तो एक बार बताओ, सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ऐसे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। तो याद है इनका, मैंने बताया था इन दोनों का एमएस जो है स्पिनिंग मूवमेंट, इसकी वजह से स्पिनिंग मूवमेंट, इसकी वजह से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एमएस एमएस कैंसिल हो जाएगा, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पेयर, तो ये एमएस भी क्या बन सकता है उनका, जीरो। हाँ, तो ऐसे सोचो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में ही है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर। ठीक है, तो टोटल एम ऑफ एटम कितना आएगा मालूम है, नियरली जीरो आएगा ना, जीरो। हाँ, तो वो होते हैं डायमेटिक मटेरियल्स। डायमेटिक मटेरियल्स में एवरी एटम हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चाहे तो लिख लो, इन डायमैग्नेटिक मटेरियल एवरी एटम हैज नेट डायपोल मोमेंट जीरो। एटम के पास मोमेंट नहीं होती है, ठीक है, और ये भी लिख दो, ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं उसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, एक बात, पेयर मतलब दो ना, दो को पेयर बोलते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन साथ में हो, yes. दो, इसलिए देखो, इसलिए ना नाम में भी डाय रखा हुआ है, नाम में देखो डाय वर्ड, डाय मतलब टू होता है ना केमिस्ट्री में भी, डाय मतलब टू, टू मतलब पेयर, और उस पेयर की वजह से टोटल मोमेंट कितनी बन रही है, जीरो बन रही है। ठीक है, ओके, सो ईच एंड एवरी एटम हैज अ जीरो डायपोल मोमेंट, यहां तक समझा? ठीक है, ठीक है, अब मैं डायमैग्नेटिक में ही आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम कंटिन्यूइंग विद द डायमैग्नेटिक ओनली। ठीक है, अब देखो, सपोज ये मेरे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इट्स अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ईच एटम हैज हाउ मच मूवमेंट, डायपोल मोमेंट, इट हैज और इट डोंट हैव, डोंट हैव, तो देखो ये मैं छोटे छोटे जो सर्कल्स बनाए ना वो सब एटम्स है, देखो छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं वो सब एटम्स हैं, एटम्स मैंने बनाया है, लेकिन उनके पास डायपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, सी सपोज ये डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ओके, आई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी लिख देता हूँ, बी अप्लाई कर दी। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसे देखा जाता है कि ये जो मटेरियल्स है ना, जैसे आपने उनको किस में रखा है अभी, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो इनमें ईच एंड एवरी एटम में डायपोल मोमेंट आ जाती है, कैसे आती है बताता हूं मैं, लेकिन डायपोल मोमेंट आ जाती है, आई विल टेल यू हाउ इट कम्स, डोंट वरी। तो डायपोल मोमेंट आ जाती है, पहले नहीं थी मोमेंट, बट आ जाती है, मतलब यू कैन से द डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, ओके, व्हेन दीज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, are kept in this magnetic field, उसको मैं बोलूंगा external magnetic field, मैंने एक external field लगा दी, उसमें रख दिया, तो उसमें क्या होता है कि हर एक atom के पास dipole moment नहीं था ना, m was zero ना, पर वो m आ जाता है, मतलब वो induce हो जाता है उसमें, dipole moment in each atom is induced, आ जाती है। ठीक है, बताता हूँ कैसे आती है, बट वेट अ मिनट, आ जाती है, और ये भी देखा गया कि चलो डायपोल मोमेंट तो आ जाती है, अच्छी बात है, लेकिन वो डायपोल मोमेंट जो आती है ना, वो अपने आप को, जो डायपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एटम्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, ऐसे दिख रहा है डायग्राम में, दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वे,
ये जो छोटे छोटे एरोस बने ना ये एम के एरोस हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है. डायपोल मोमेंट इज नॉट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द बी बट अपोजिट टू द बी. ओके, तो वो भी मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट में. डायपोल मोमेंट इज इन इन ईच एटम इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट आ जाती है. ओके ओके, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब बोलेंगे कुछ नहीं आया अगर सर डायपोल मोमेंट कहां से आ गई, इनके पास तो नहीं थी. ठीक है, एक बार बताओ डायपोल मोमेंट जीरो क्यों थी इनकी, याद है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर में थे, बराबर. तो इलेक्ट्रॉन्स वर इन पेयर, दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट वॉज जीरो. जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप इनको फील्ड के अंदर रखते हो, व्हेन यू कीप अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन अ फील्ड, तो क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर में थे ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है और दूसरा जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट अप हो जाता है. सो जो दोनों इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग कर रहे हैं, एक की स्पिनिंग फास्ट हो गई और दूसरे की स्पिनिंग थोड़ी स्लो हो गई, तो पता है क्या होगा, अगर स्पिन फास्ट हो गई मतलब चार्ज बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है, चार्ज स्पिनिंग फास्टर, तो उससे ज्यादा मूवमेंट बनेगी, और जो चार्ज थोड़ा स्लोली स्पिन करेगा उसकी डायपोल मोमेंट कम हो जाती है. तो एक की स्पिनिंग फास्ट हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कम हो गई, तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे ना, उससे क्या होता है स्पिनिंग मूवमेंट आ जाती है और उसकी वजह से ये डायपोल मोमेंट आ जाती है, इसमें इंड्यूस होती है. ये सब डिटेल में नहीं पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, बट जस्ट ये मेन प्रॉपर्टी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो याद रखनी है, कि जब आप इनको फील्ड के अंदर रखते हो तो इसमें डायपोल मोमेंट आ जाती है इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. ठीक है, ठीक है, सो यहां तक समझा, आगे बढ़ रहा हूं मैं. हाँ, एक बार बताओ, आपको ने ये टर्म्स पहले डिस्कस किए हैं, आई एच, ये टर्म डिस्कस हुए हैं पहले. एनीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आई. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. हाँ, तो आप ही मुझे बताओ ये जो डायग्राम है उसमें, जो अभी डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सब्सटेंस को मैंने बी फील्ड के अंदर रखा है, फेलियर, इसमें मैग्नेटाइजेशन है कि ये जीरो मैग्नेटाइजेशन है सब्सटेंस में? Those who remember, magnetization is found by this formula, net dipole moment present, net per unit volume. Per unit volume. आज भी आपने revise किया होगा, अगर आपने notebook है आपके पास, तब देख सकते हो, net dipole moment per unit volume. ठीक है, ठीक है. लेकिन अभी problem पता है क्या होता है, जो I है ना, ठीक है, I एक vector quantity है, जो dipole moment, ये जो net dipole moment है ना, dipole moment भी vector है, जो dipole moment का direction होता है वही I का direction होता है. तो यहां पर देखो, लुक एट द डायग्राम, ये डायरेक्शन है ना डायपोल मोमेंट का, देखो यही डायरेक्शन आई का भी होगा, इवन आई हैज दिस डायरेक्शन. ठीक है, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होती है वही डायरेक्शन आई का होता है. तो आई कहां पे होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है सपोज. बी किस तरफ है, बी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. ठीक है, बी और एच का डायरेक्शन एक ही होता है, बी एंड एच ऑलवेज हैव अ सेम डायरेक्शन. ठीक है, एच बी वेक्टर होता है अल्टीमेटली, बी और एच का डायरेक्शन सेम माना जाता है. तो एक बार बताओ, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आई और एच जो है, आई और एच, दे आर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? आई एंड एच ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए आपको ये फॉर्मुला आपको मालूम है ना, आई इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स एच ना, ये फॉर्मुला बताई थी. इसमें ये फॉर्मुला आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आई और एच ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन डालूंगा. देखो, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट दैट आई एंड एच आर इन व्हाट, ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो और आपको मालूम है ससेप्टेबिलिटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला माइनस आई बाई एच, देन ना इसमें से ससेप्टेबिलिटी इस फॉर्मूला से मिलेगी फिर. ठीक, तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर कोई पूछेगा ना, तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नेगेटिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नेगेटिव. नेगेटिव बस इसलिए है भाई क्योंकि आई और एच अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में होते मैं ले लेता पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी को. ठीक है, तो साय नेगेटिव आता है, नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट दैट आई एंड एच बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई. ठीक है,
ठीक है. सो पहले यहां तक समझ लो. ठीक है सर, वो कितनी होता है मतलब? प्लीज रिपीट सर, वो कितना मतलब वीकली रिपल होता है ना मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेक्शन? हाँ हाँ उस पे आता हूँ ना, वीक वीक और स्ट्रांग पे आता हूँ अभी, नेक्स्ट वही था. लेकिन नेगेटिव है वो समझा गया क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं सर. ठीक है, क्योंकि आई और एच ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई मैंने उसको नेगेटिव बोला. ठीक है, अब मैं इस पे आ रहा हूँ ना, आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार बताओ, मैंने आपको ये बताया कि जो डायपोल मोमेंट है वो इंड्यूस हो जाती है, बट इट इज इंड्यूस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड, बराबर. लेकिन हर एक एटम में डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, हो जाती है. ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि जो ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है ना, हर एक एटम में क्या हो जाती है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है. ईच इंड्यूस मोमेंट इज एक्चुअली वीक, काफी वीक इंड्यूस होती है, मतलब बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट नहीं आती है, बहुत वीक आती है डायपोल मोमेंट. तो एक बार बताओ, अगर डायपोल मोमेंट वीक है, काफी कम डायपोल मोमेंट होती है, तो डायपोल मोमेंट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी कम ही होगा ना, फिर तो बहुत कम ही बनेगा डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम. ठीक है, तो थोड़ा सोच के बताओ, आई और एच में से कौन वीक होगा, आई के एच? आई, क्योंकि मैंने बोला ना डायपोल मोमेंट कम होती है, मतलब बहुत ही, दीज सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन बहुत वीक होती है मैग्नेटाइजेशन, दीज सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं आती है डायपोल मोमेंट. मैंने आपको बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग फास्ट हो जाती है, एक की स्लो हो जाती है, उससे थोड़ी स्पिनिंग मोमेंट आ जाती है, लेकिन उतनी नहीं आती है, कम ही आती है काफी. ठीक है, तो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड. तो एक बार बताओ, ये आय बहुत कम होता है. ठीक है, दोजो रिमेम्बर, ससेप्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज आय पर यूनिट एच ना, आय प्रोड्यूस पर यूनिट एच, ये था. तो अगर ये इसमें आय ही काफी कम रहता है, वेरी लेस आय इट इज, इसका ससेप्टेबिलिटी भी कम रहता है. Susceptibility is of course negative for a diamagnetic substance. It's of course negative. Negative but small. I have written it down. Susceptibility of a diamagnetic material is of course negative but small. ठीक है. Small कितना बता देता हूँ मैं. ठीक है. Susceptibility less than one होती है. नेगेटिव भी होती है लेकिन लेस देन वन भी होती है, वैल्यू में वो वन से भी छोटी होती है. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, ससेप्टेबिलिटी इज यूजुअली लाइक दिस, -0.2, -0.1, -0.4, इसके आसपास होती है ससेप्टेबिलिटी. ओके, देखो नेगेटिव तो डालनी है, नेगेटिव के बाद वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, 0.2, 0.1, वेरी मच लेस देन वन. भाई समझ में आई बात समझ में? ठीक है. Yes. हाँ, ठीक है. अब थोड़ा याद करके बताओ, वन प्लस ससेप्टेबिलिटी अगर कर दूं तो मैं क्या मिलता है सब्सटेंस का? म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी. तो एक बात बताओ, ये सब मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कर रहा हूँ. तो टेकन फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने ये जाय, मैंने आपको अभी समझाया था जो ससेप्टेबिलिटी, सपोज -0.2 डाल देता हूँ एक एज एन एग्जाम्पल, इसके आसपास ही होती है, -0.2, -0.3, इसी के आसपास होती है ससेप्टेबिलिटी फॉर ऑल सब्सटेंसेस. जाय डाल दिया तो कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा म्यू आर के नेगेटिव आने वाला है? 0.8 आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, लेकिन लेस देन वन आएगा ना, क्योंकि आपका वन माइनस समथिंग हो जाएगा ना. देखो यहाँ पे क्या है, वन प्लस ससेप्टेबिलिटी, बट ससेप्टेबिलिटी खुद नेगेटिव है, तो मतलब ये वन माइनस समथिंग ही होगा हमेशा, तो लेस देन वन ही आएगा ना. तो कैन आई से दैट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अ म्यू आर less than 1? This is for थोड़ा फिजिकली बताओ, मीनिंग क्या हुआ, म्यू आर लेस देन 1 का मतलब क्या होता है ये सब्सटेंस के लिए? म्यू आर अगर लेस देन 1 है मतलब क्या, फिजिकली क्या मतलब है? कम मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब इसमें से नहीं मैग्नेटाइज मत जाओ, म्यू आर मैग्नेटाइज रिलेटेड नहीं है. म्यू आर लेस देन 1 मतलब नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग विल बी लेस compared to vacuum. Yes. It's less permeable than vacuum. Vacuum. Noted all points? जो लिख रहा हूँ बहुत important है, note करते जाओ. ये सब books में दी होती है, पता है. लेकिन मैं क्या हो रहा है, जो point दे रहा हूँ फिर थोड़ा उसका explanation दे रहा हूँ कि ये कैसे आई.
बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, किसी भी बुक में आप देख लो सीधा डायरेक्ट पॉइंट्स लिखी होती है. दैट्स व्हाई स्टूडेंट डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बोलते हैं खाली पॉइंट रट नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं. फिर यहाँ पे मैं एक एक का रीजन बता रहा हूँ, बट इट्स बेटर इफ यू नोटिंग प्रॉपरली, क्योंकि बाद में ही वापस याद नहीं आएगा, आपको यहाँ पे से रिवाइज करना पड़ेगा. म्यूआर तक समझा? ठीक है. एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ मैं. डायमेटिक सब्सटेंस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये जो डायमेटिक सब्सटेंस है ना, दिस सब्सटेंस डायमेटिक मटेरियल्स दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे फील रिपल्शन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. डायमेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा क्यों है आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, बट फर्स्ट यू नोट इट डाउन. ठीक है ओके. अब ऑब्वियसली एक डाउट आएगा कि सर क्यों रिपेल होते हैं ये सब्सटेंस. ठीक है, इजी है, इट्स आंसर ऑलरेडी बीन गिवन. ठीक है, मैं समझा देता हूँ. एक बार बताओ, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मैंने रख दिया डायमेटिक सब्सटेंस. तो मैंने बोला था ये जो ईच एंड एवरी एटम होता है, ये एटम्स हैं, उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है. इन द डायरेक्शन ऑफ बी और अपोजिट टू द बी, टेल मी. अपोजिट बी. अपोजिट, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ बी. तो देखो मैं ये बना लेता हूं, देखो यही था. ये जो मैं छोटे छोटे एरोस बनाए हैं, ये एम का डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का. एक बार बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? इन साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ. सो डेफिनेटली ये साउथ ऑफ द एटम होगा और इस तरफ नॉर्थ ऑफ द एटम होगा, तभी ये साउथ से नॉर्थ जाएगा ना. इधर साउथ होगा, इस तरफ नॉर्थ ऑफ द एटम होगा ना, बराबर ना, करेक्ट है? हाँ. अच्छा अभी काम करो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे आ जाओ, ये आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है. ठीक है, एक बात, ये जो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ये मैग्नेटिक लाइंस बनाई है मैंने, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस आई हैव ड्रॉन. ये लाइंस भी आपको मालूम होगा, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोस टुवर्ड साउथ पोल. साउथ पोल, यस. तो इधर डेफिनेटली एक नॉर्थ पोल होगा जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, और इस तरफ डेफिनेटली साउथ पोल होगा वेयर दिस लाइंस आर गोइंग. नॉर्थ से साउथ जाती है ना, ये आपकी एक्सटर्नल फील्ड है. तो देखो अभी आप देखो सिचुएशन क्या बन रही है, नॉर्थ ऑफ ईच एंड एवरी एटम. ये देखो सपोज ये एक एटम है, एक एटम को देखो, उसका जो नॉर्थ है वो नॉर्थ को ही फेस कर रहा है, और जो साउथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साउथ को फेस कर रहा है, बराबर. ठीक है, तो नॉर्थ के सामने आपने नॉर्थ रख दिया है, साउथ के सामने साउथ रख दिया है ना. नॉर्थ इस तरफ है ना सर, उल्टा. ये देखो ना, ये दोनों, ये दोनों, हाँ, ये देखो दोनों, देखो ना, ऐसा कुछ सिचुएशन बना है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ है, तो दोनों क्या होगा, रिपल्शन ही फील होगा ना कि अट्रैक्शन फील होगा? रिपल्शन. इस वजह से रिपल्शन होता है. आप कोई भी बुक उठा के देख लो, आई चैलेंज यू, एचसी वर्मा या कुछ भी बुक उठा के देख लो, आई चैलेंज, ये वीकली रिपेल लिखा रहता है. क्यों होता है कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, इट्स नॉट एनीवेयर रिटन दैट व्हाई द रिपेल, क्योंकि डायग्राम भी नहीं दिया होता है कहीं पे. तो मैंने खाली आपके समझने के लिए डायग्राम बनाया है, और ये करेक्ट है ये सिचुएशन, इस वजह से रिपेल होता है. ये आपको पॉइंट मिलेगी नहीं कहीं पे, तो अगर चाहिए तो थोड़ा समझ लो अच्छे से, भले आप नोट मत करो बट समझ लो. This, because of this reason they are repelled by the field. Okay. पर B बार तो north से निकलता है ना, north इस तरफ आएगा, south इस तरफ है. B बार ये आपका lines है ना, ये क्या है, देखो ना, इस तरफ देखो ना, ये line है ना. This line start from north pole and goes towards south pole of the magnetic field ना. Correct है diagram, क्या हो गया? अच्छा समझाइए students क्यों repel होते हैं, बोलो क्या doubt है? मेनली आपको याद ही रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दे आर रिपेल्ड बाय द फील्ड. लेकिन एक होता है ना, अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि सर क्यों रिपेल होते हैं, वो मैं क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूँ जस्ट. ठीक है ओके. डायमेटिक सब्सटेंस समझे? यस. डायमेटिक सब्सटेंस के मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेटिक मटीरियल्स, क्योंकि एंट्रेंस के एमसीक्यूज होते हैं ना, जो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर डायमेटिक सब्सटेंस है कि नहीं, या चार ऑप्शंस गिवन होंगे, बोलेंगे चार मटेरियल्स गिवन होंगे, बोलेंगे इन चारों मटेरियल में से कौन सा मटेरियल डायमेटिक है. कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और आपके स्टेट बुक में भी गिवन होते हैं, मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ. द एग्जांपल्स ऑफ दोस मटेरियल्स विच आर डायमैग्नेटिक,
एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके ठीक है. अब एग्जाम्पल्स मैंने, आप देख सकते हो बुक्स में एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स को ना एक अच्छे से कैटेगराइज किया है पेयर्स में ताकि आपको याद रह सकेंगे. एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ. पहला एग्जाम्पल है एयर एंड वाटर. एयर और वाटर दोनों डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, एयर एज वेल एज वाटर. ठीक है. उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल है गोल्ड सिल्वर. एक बार बताओ. ठीक है, एग्जाम्पल्स तो इजी है टू याद रिमेम्बर, लेकिन थोड़ा तरीका बता दो उनको याद करने का. पहला आपने लिखा एयर और वाटर, हिंदी में बोलेंगे हवा पानी. इज इट एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ? एयर और वाटर नेसेसरी है ना. हाँ, तो पहले दो ऑप्शन है ना वो नेसेसरी है. अगले दो ऑप्शन गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन वो लग्जरी में माने जाते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर इज लग्जरी. ठीक है, तो आजकल गोल्ड इतना महंगा हो गया कि सच में वो लग्जरी है. तो कैन आई से फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स आर द नेसेसरी ऑफ लाइफ एंड नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स आर द लग्जरीज ऑफ द लाइफ. बराबर. यस. हाँ, ऐसे ही याद करो, क्योंकि जो हम लोग आगे चल के पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक करेंगे उसमें भी मैं इसी तरीके से लग्जरी और नेसेसिटी के हिसाब से बताऊंगा. तो दो एग्जाम्पल लग्जरी, दो एग्जाम्पल नेसेसरी. क्लियर. उसके बाद अगला एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ मैं. ए बी सी. ए बी सी क्या होता है? ओके, ए मतलब एंटी मनी, बी मतलब बिस्मथ, सी मतलब कॉपर. एंटी मनी, बिस्मथ, कॉपर. ठीक है. इसके अलावा, ठीक है, ओके, इसके अलावा, ठीक है, एक और चीज जो नेसेसरी तो नहीं है लेकिन जरूरी होती है फिर भी, NaCl. खाने में नमक नहीं डालोगे तो नहीं चलेगा ना, तो ये भी NaCl भी नेसेसरी की कैटेगरी में डाल देता हूं मैं. और एक और चीज जो लग्जरी तो नहीं है लेकिन लग्जरी की जैसी होती है, सिल्वर जो है ना, सिल्वर. एक बार बताओ, मर्क्यूरी आपने देखा है, मर्क्यूरी का कलर भी सिल्वरिश ही होता है क्या? मर्क्यूरी, यस यस. सो मर्क्यूरी इज सिमिलर टू सिल्वर ना इन द कलर. ठीक है, तो कलर वाइज Hg लिखा है. ये सब एग्जांपल्स हैं. अब आप कैसे याद करते हो आपके ऊपर है. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं. मैंने कुछ तरीका बताया उससे याद करो तो बेटर रहेगा. लग्जरी, नेसेसिटी, उसके बाद एबीसी. एबीसी मतलब एंटी मनी, बिस्मथ एंड कॉपर. एग्जाम्पल समझे? Yes. So everything is completed related to the diamagnetic substance. Diamagnet इतना काफी है जो बताया. ठीक है, ठीक है. Note किया example, किसी ने नहीं किया तो जल्दी बोल दो. हाँ, ठीक है. अब देखो, आप देख सकते हो diamagnetic को ही कितना time लग गया. Paramagnetic और ferromagnetic it's not possible to complete in this lecture. But अगले lecture में हो जाएंगे and that will be the last lecture for. लेकिन आज मैं क्या करूंगा, पैरामैग्नेटिक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं. लेट्स सी व्हाट इज पैरामैग्नेटिक इंट्रोडक्शन. तो नेक्स्ट हेडिंग पुट करो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, अब पैरा क्या होते हैं? सी, सपोज इट्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैंने ले लिया है. ओके, एक बात, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी तो एटम्स ही होंगे ना. एटम्स मॉलिक्यूल्स से ही बना होगा. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे. सपोज दीज आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ओके, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, इनमें, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, देर आर सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड. कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर में भी होंगे, but there are equally some electrons which are also unpaired. Some electrons are unpaired. Paired होंगे but unpaired भी होते हैं. ठीक है, chemistry में एक बार बताओ, chemistry में जो unpaired electrons होते हैं ना, वो आपको शायद इस तरीके से दिखाते हो. देखो, ये देखो, ये diagram समझ रहे हैं? Yes. एक बार बताओ, इसमें total कितने electrons दिख रहे हैं इस diagram में? Five. तो फाइव में ऐसा होगा कि पहले एक तो ये 1s2 ऑर्बिटल में फिट हो जाएगा, 1s2. ठीक है,
1s2 होता है, फिर 2s2 होता है, फिर 2p6 होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है? Yes. ये सपोज 2s2 है, इससे पहले 1s2 था, 1s2 टू। देखो केमिस्ट्री मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ होता है ना अप्रोक्स, थोड़ा बहुत गलती हो गया तो उसमें चला लो। अभी एक बात बताओ, अगर ऐसे कुछ है लास्ट में तीन इलेक्ट्रॉन से, देख लो तो ऐसे के तीन होंगे तो तीन में से पहले पेयर बन जाएगा और बाद में एक ही बचेगा, कि तीनों पहले अनपेयर हो जाएंगे? तीनों अनपेयर हो गए, अनपेयर हो जाएंगे। इसको आई थिंक कुछ हंस रूल, हंस रूल बोलते हैं शायद। यस यस, हंस, हां हंस नहीं है वो, एक्चुअली हंस है, ठीक है, बट इट्स ओके, आप टीचर केमिस्ट्री को पूछ लो, हंस नाम है उसका, हंस रूल है ये। तो सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है, ऐसा कुछ है शायद। तो हंस रूल के हिसाब से ये बराबर है ना डायग्राम? तो इसमें आपको दिख रहा है ना क्लियरली, कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ अनपेयर भी है, दोनों है ना, ठीक है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैंने आपको बताया था टोटल मोमेंट कितनी बनती है बिकॉज ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जीरो। लेकिन यहाँ पे अनपेयर भी है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से मोमेंट जीरो नहीं होगी ना, कुछ ना कुछ मोमेंट बनेगी। तो पैरामेडिक सब्सटेंस में क्या होता है पता है, एवरी एटम और एवरी मॉलिक्यूल, इफ आई टॉक, दे हैव सम डायपोल मोमेंट, एटम के पास डायपोल मोमेंट होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पैरामेडिक मटेरियल्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ड्यू टू विच ईच एटम, एटम बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, एटम ही चलता है बोल देते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल होगा मे बी, ईच एटम हैज सम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एक बात, हर एक में थोड़ी थोड़ी डायपोल मोमेंट होगी, ठीक है। तो लुक एट द डायग्राम, अब जरूरी नहीं कि सारी डायपोल मोमेंट जो है वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगी। अगर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे एटम्स थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं, इफ यू नो, एटम मॉलिक्यूल अंदर हल्का हल्का वाइब्रेशन चलता रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट थर्मल वाइब्रेशन ये सब डायपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है ऐसे। तो एवरी एटम हैज डायपोल मोमेंट बट दे आर नॉट अरेंज इन द वन डायरेक्शन, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। तो मैं वही वो भी लिख देता हूँ, each atom has dipole moment but all these dipole moments are randomly oriented at a normal room temperature, samajh mein aaya? ye paramagnetic substance hote hain, aaj khali introduction de raha hu unka, next time main isko revise nahi karunga, iske aage badhunga, theek hai, last point now। एक बात, लुक एट द डायग्राम, सारे डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है ना। अब जब भी आप कोई सब्सटेंस लेते हो, सपोज इफ यू टेक अ सब्सटेंस, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं ना अंदर, तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो सोचो ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, सबके सब रैंडमली ओरिएंटेड है, तो किसी का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा, किसी दूसरे एटम का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स आर देयर, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपको मालूम है इसका टोटल डायपोल मोमेंट कितना आना चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो, जीरो, टोटल डायपोल मोमेंट जीरो ही बनता है फिर से, मतलब एज अ होल इट विल बी जीरो, बट ईच एटम हैज नो जीरो डायपोल मोमेंट, एटम हैज अ डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये एटम के पास है, लेकिन ओवरऑल कितनी है डायपोल मोमेंट? जीरो है, ठीक है, यहां तक समझा? यस, आज भी काफी ज्यादा डिस्कस किया है चीजें, पहले इसको क्लियर कर लो, अपने माइंड में बैठा हो, रिवाइज इट, कल एक लेक्चर और ले लेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, पैरा फेरो दोनों खत्म हो जाएंगे उसी में, and then chapter will be over almost, it's the last topic going now sir, electromagnetic bhi aata hai, permanent magnet hysteresis, ha hysteresis ferro ke sath cover hoga, hysteresis is a part of a ferromagnetic material only, sir isme paramagnetic materials mein bhi kuch unpaired electrons, to isme diamagnetic bhi hoga na, tum pehle padh chuke ho gaya, ye kaise click hua tumko ki abhi click hua, no sir usme na sir dono bhi aa sakta hai, तुम बराबर बोल रहे हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यूजुअली ऐसी पॉइंट ऐसे क्लिक नहीं होती है बच्चों को, तो मैं बोला आपको अभी ऐसे क्लिक हुआ ये पॉइंट अपने आप में कि ये पहले पढ़ा है कहीं पे, आप इसलिए पूछ रहे हो ये चीज, बोलो बोलो अभी क्लिक हुआ, हाँ तो अगर अभी क्लिक हुआ तो मतलब इट्स वेरी गुड, आपका जेन्युइन डाउट है, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप याद कराओ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका आंसर, आपका आंसर दे दूं तो यस है, आंसर इज यस, डायमेटिक भी इसमें इंड्यूस होता है, वो चीज भी होती है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिमाइंड मी, आई विल एक्सप्लेन दैट, ओके,
तो स्टूडेंट अभी तक क्लियर है जो भी बताया? ठीक है, बाकी क्वेरीज जो है, मतलब जो बाकी चीजें हैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है? विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर देन। अभी कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हो, कुछ ऐसे छोटा मोटा डाउट है तो बोलो। नथिंग सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी सेम टाइप में आएगी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यस। हाँ, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन सा सब्सटेंस पैरा, कौन से मैग्नेट से हम, कौन से सब्सटेंस से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, कौन से सब्सटेंस से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, वो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा डेफिनेटली। एक सब्सटेंस है तो दोनों भी, दोनों से भी बना रहेगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो उसमें दोनों का भी होगा। नहीं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना, वो उससे कोई मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता है। मैग्नेट हमेशा बनते हैं खाली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से। ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर यूज्ड टू मेक एनी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, जो भी आपका मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, जो भी मैग्नेट है वो फेरो से बनते हैं, डाय और पैरा से नहीं बनते हैं। ठीक है, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, वो है टॉपिक है अल्टीमेटली। ठीक है, ओके, कम क्लियर द स्टूडेंट्स दिस वन? यस यस। सो ओके, बाकी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, विल मीट नेक्स्ट टाइम। चलो।